12 दिसंबर 1947, दो देशों हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अपनी तकसीम ज़मीनों का फैसला इस तारीख से कुछ 5 महीने पहले करके अपनी राहों पर चल निकलने का ठीक समझा। इस 12 दिसंबर को पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में कुदरत ने एक फैसला बंटवारे के बाद सुनाया। इस दिन मोहम्मद सदीक पैदा हुए। कुदरत का फैसला था कि वो मुकम्मल हिंदुस्तान में नहीं पैदा होंगे, वो पाकिस्तान के पंजाब के फैसलाबाद में पैदा होंगे। यही मोहम्मद सदीक आगे चलकर कमाल के शायर हुए और अपने उपनाम नाज ख्यालवी के नाम से मशहूर हुए। नाज ख्यालवी ने खुदा को जानने और पहचानने और तमाम कोशिशों की कसमकस में खुद को यूं घेर लिया कि उन्होंने खुदाई की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के बीच झूलते हुए एक गज़ल लिखी। उसी गज़ल की पहली पंक्ति से हम इस संगीत के सफ़र पर आपके साथ चलेंगे। वो पंक्ति थी, तुम एक गोरख धंधा हो। ख्यालवी को खुद पता नहीं था कि खुद खुदा ही इसे गाएंगे, बस वो इंसान की शक्ल में इसे गाएंगे। एक चीख थी, वो आवाज़ जो चट्टान से भी अगर टकरा जाए तो उसके भी 1000 टुकड़े का वे। लेकिन पता नहीं क्या जादू था उस आवाज़ में, बिखरे हुए दिलों को वो जोड़ने का काम करती थी। संगीत के तार सप्तक के सबसे ऊपर के सुर जहाँ आकर दुनिया के तमाम गायकों के सुर पस्त हो जाते हैं, वहाँ से शुरू होने वाली दुनिया की सिर्फ एक आवाज़ थी। उस आवाज़ के मालिक का फैसलाबाद में एक जर्जर घर है, क्योंकि वो वहाँ नहीं रहता। उस घर का लोहे का एक दरवाज़ा है जिस पर कोलंबिया ऑयल पेंट अब सूख कर गिरने लगा है। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा है, घर में कोई नहीं रहता, पर लोग दुनिया जहाँ से यहाँ आते हैं अकीदत में उस ताले के दरवाजे और दीवारों को चूमते हैं। वो उसकी आवाज़ के सदके यहाँ आते हैं, जो होकर भी नहीं है और नहीं होकर भी हर जगह है। वो आवाज़ थी नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़। ये खुदा की आवाज़ थी, हर मजहब को मानने वाले अपने ईश्वर की आवाज़ थी। नाज ख्यालवी की इस गज़ल को गाया था इन्हीं नुसरत फ़तेह अली खान ने। अब सवाल दो थे, एक खुदा, एक उसकी बंदगी में नाज की गज़ल गा रहे नुसरत फ़तेह अली खान। दोनों ही गोरख धंधा थे, दोनों को ही कोई समझ नहीं पाया। ऐ विभाजित हिंदुस्तान के जालंधर पंजाब से विभाजन के वक्त किस्मत नुसरत के परिवार को लायलपुर जिले, जिसे अब फैसलाबाद कहा जाता है, पाकिस्तान ले गई। 13 अक्टूबर 1948 को कवालों के घर नुसरत आए, जिन्हें संगीत की दुनिया फतेह करनी थी। पिता का नाम फ़तेह अली खान था, पूरा नाम जुड़कर ये बच्चा नुसरत फ़तेह अली खान हुआ। दुनिया जहान के वालिदैन अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के आदर सपने के साथ बड़ा करते हैं। ये वाजिब भी है, क्योंकि कम संघर्ष वाली आदर्श जिंदगी ही तो माँ बाप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। पर कुदरत अपने फैसले खुद लेकर नुसरत अली जैसे बच्चों को पैदा करती है। 4 बहनों और 2 छोटे भाइयों के बीच नुसरत के पिता चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने। लड़कपन में कवालों के घर जब तबले पर नुसरत की उंगलियाँ थिरकनी शुरू हुई, और इस बात पर उन्हें कोई डांट भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि इतनी तालीम को पिता फ़तेह अली ने डॉक्टर बनने के सपने में आने वाली अड़चन नहीं समझा। नुसरत बेहद शांत स्वभाव और कम बोलने वाली शख्सियत के साथ बड़े हो रहे थे। उनका बदन भी कसरती बदन नहीं था, वह उम्र बढ़ने के साथ थुलथला बदन पाले हुए थे, क्योंकि उन्हें तबले के साथ वक्त बिताने के अलावा किसी और चीज़ के लिए फुर्सत नहीं थी। उनके बारे में किसी ने खुद उन्हें भी नहीं पता था कि वो एक दिन कव्वाली की दुनिया के शहंशाह बनेंगे, क्योंकि वो गाते नहीं थे, पर तबले पर उनकी दोस्ती यूं होती जा रही थी कि तबले पर बजने वाले राग को वो तबले के साथ बोलते चले जाते थे। और ये कब तमाम संगीत उनके दिल और जहन में सुरों के रूप में बस गया, इसका न उन्हें और न किसी और को इल्म हो सका। आगे चलकर इन्हीं सरगमों पर उन्होंने संगीत के साथ यूं खेला जैसे बच्चा गेंद से हजारों तरीके से खेलता है। संगीत से और उनके सुरों से वो ऐसे खेलते थे जैसे 2 बच्चे दिन भर ठिठोली करते हैं। वो संगीत के उस आयाम तक पहुँचे जहाँ न कोई पहले पहुँच पाया, और न ही उस दर्जे तक उनके जैसी गायकी की शैली में कोई पहुँचेगा। काबिले गौर है कि पंडित भीमसेन जोशी, बड़े गुलाम अली, रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जैसे गायकों की अपनी शैली रही है, और उनके
जॉनर में वो भी महान हुए हैं। उनके जैसा भी कोई नहीं बन सकता, लेकिन अपने जॉनर में फ्यूजन और सूफी संगीत को नुसरत साहब ने जहाँ पहुँचाया है उसकी कल्पना नामुमकिन है। साल 1960 नुसरत के लिए कुछ तैयारियाँ कर चुका था। पिता फतेह अली नामी कव्वाल हुआ करते थे और जान चुके थे कि नुसरत के गंभीर और शांत स्वभाव के पीछे एक संगीत का समंदर हिलोरे मार रहा है। फिर पिता का उन्हें डॉक्टर देखने का सपना अंदर ही दम तोड़ गया। लेकिन फतेह अली ने नुसरत साहब के सामने शर्त रखी कि संगीत की तालीम तभी होगी जब वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रखेंगे। एक दिन नुसरत साहब अपने तबले को छोड़कर हारमोनियम को बजाते हुए कुछ सरगमों पर रियाज कर रहे थे और उनमें वो इतना खोए हुए थे कि उन्हें दुनियावी चीज़ों की खबर नहीं थी। उनके पीछे उनके पिता फतेह अली खान खड़े थे, वो निहार रहे थे, उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो सच में कुछ हैरतअंगेज और अविश्वसनीय चीज़ देख रहे हैं। नुसरत साहब के वालिद समझ नहीं पा रहे थे कि वो जो देख रहे हैं वो हकीकत है या एक सपना। खैर, एक पिता के अंदर बच्चे को लेकर सुरक्षात्मक भविष्य का सपना पूरा हो चुका था। वो जान चुके थे कि नुसरत डॉक्टर तो बनेंगे लेकिन संगीत के, और करोड़ों दिलों पर उनकी आवाज़ का राज होगा। नुसरत अब गाने और सिर्फ गाने के लिए स्वतंत्रता पा चुके थे, लेकिन फतेह अली साहब ने ये बात अभी तक नुसरत को नहीं बताई थी। वो चाहते थे कि सही वक्त पर खुद ही नुसरत को बताएंगे। वो उनकी दीवानगी में कोई खलल नहीं चाहते थे। वक्त जल्दी आया। फतेह अली खान साहब के दोस्त मुनव्वर अली खान, जो कि बड़े गुलाम अली खान जैसी शख्सियत के बेटे हैं, एक कॉन्सर्ट के लिए पाकिस्तान पहुँचे थे। उनके कॉन्सर्ट में लगातार उनके एक शागिर्द की दिक्कत महसूस हो रही थी जो उनके संगीत की बराबरी के साथ तबला बजा सके। अपनी परेशानी उन्होंने फतेह अली खान से कही और फतेह अली खान ने उनको नुसरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, तबले में माहिर है, आपका काम बन जाएगा। लेकिन मुनव्वर अली खान जो है व्यंग्यात्मक रूप से नुसरत को देख कर मुस्कुराए। तब नुसरत अली के पिता ने कहा, ये दिखने में मोटा है लेकिन उसके हाथ जब तबले पर थिरकते हैं तो बड़े बड़े उस्ताद भी उसकी उंगलियों की बराबरी नहीं कर पाते। मुनव्वर ने चांस लिया और जब नुसरत ने तबला शुरू किया तो मुनव्वर खान को पता चल गया कि उसका शागिर्द बना यह लड़का सुरों का बवंडर अपने अंदर समेटे हुए हैं। नुसरत शौक या तौर पर हारमोनियम बजाते और गाते थे, लेकिन साल 1964 उनकी तकदीर का फैसला करने वाला था। पिता फतेह अली खान बीमार पड़े, उनका निधन हो गया। फतेह अली खान बेहद नामचीन कव्वाल हुआ करते थे। उनके साथ उनके भाई मुबारक अली खान और सलामत अली खान की शागिर्दी थी। लेकिन फतेह अली खान अब जा चुके थे, वो फतेह अली खान जिनके बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रकवि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मेरी कविताएं तो सिर्फ स्कूल और कॉलेजों तक ही सीमित रही। लेकिन फतेह अली खान और मुबारक अली खान ने अपनी गायकी से उन्हें पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाया। मुबारक अली और सलामत अली भी उम्र के उस पड़ाव पर थे कि वो अब सूफी चिश्ती गायकी के इस महान घराने की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। ऐसे में पिता के जाने के बाद कव्वाली का साथ देने वाले घर में सभी लोगों के बीच ये संकट खड़ा हो गया कि अब उनकी पार्टी का मुखिया कौन होगा। मुबारक अली खान और सलामत अली खान ने सिफारिश की कि नुसरत फतेह अली खान के मुखिया होंगे और कव्वाली की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन इस पर सभी ने असहमति जताई क्योंकि परंपरागत पगड़ी की रस्म जिसे दस्तारबंदी कहते हैं उसके लिए नुसरत को गाना गाकर दिखाना था, लेकिन वो तो गाते ही नहीं थे। ऐसे में उनके भाई फारूक का नाम भी चला, लेकिन आखिर में पिता का भरोसा नुसरत की गायकी में किस दर्जे का था ये मानते हुए बिना गाए ही नुसरत की दस्तारबंदी की गई। पर नुसरत को यह मंजूर नहीं था, बिना काबिलियत दिखाए इस पगड़ी को वो अपने सर पर बांधे। इसलिए पिता की मौत के 40वें दिन उन्होंने पहली बार सबके सामने गाया और लोग हैरतअंगेज गायकी से पहली बार रूबरू हुए। किसी के पास शब्द नहीं थे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन कुछ फैसले ईश्वर खुद करता है और ये भी उन्हीं की मर्जी थी। ऐसा नहीं था कि ये पदवी उन्हें यूं ही मिल गई, बल्कि इसके पीछे नुसरत का बचपन से लेकर अब तक का कड़ा सफ़र था। वो 18 घंटे रियाज किया करते थे, कई कई बार तो वो 24 घंटे भी रियाज करते थे।
नुसरत अब अपने संगीत के सफ़र पर निकलने वाले थे जो हजारों सालों तक कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। वो हिंदी, उर्दू, फारसी और ब्रज भाषा में अपनी बारी गायकी में ऐसे संगीत के सुरों और फ्यूजन को रचते थे कि कोई भी उससे खुद को बाहर नहीं निकाल पाता था। उनके गाए सारे गीतों की चर्चा करना एक एपिसोड में लगभग नामुमकिन है, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके सबसे ज़्यादा कव्वालियाँ गाने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है। उनका एक गीत है, प्यारे 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 थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। इसमें नुसरत जब गाते हैं तो उन आलोचनाओं पर विराम लग जाता है जिसमें कुछ कम समझ के लोग उनकी आवाज़ खराश और मीठेपन से महरूम पाते हैं। हाई पिच और लो पिच पर उनका करिश्माई अंदाज लोगों को उनकी आलोचना का मौका नहीं देती, बस आप खुद को एक जादू में घिरा पाते हैं। उनकी मासूमियत की हद उनकी आवाज़ और उनके गाते हुए शरीर में आने वाले परिवर्तन से आप समझ सकते हैं। वो गाते हुए हमेशा भूल जाते हैं कि वो लोगों के सामने गा रहे हैं, बल्कि वो किसी और ही दुनिया में, वो उनकी अपनी दुनिया है, वो संगीत की दुनिया है, उसमें खो जाते हैं। घंटों तक नन्हे बच्चे की गेंद की तरह म्यूजिक उनके खूबसूरत हाथों में थिरकता रहता है। एक बार अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे जावेद को एक खत लिखा लंदन से, जिसमें एक गज़ल की शक्ल में एक नसीहत थी और हिम्मत से अपने मुकाम को हासिल करने का संदेश था। बोल थे, दया रे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए शुभ ओ शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फिदरत शनास्ते तुझको, सुगूते लाल कुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये गज़ल जब नुसरत की आवाज़ में दुनिया के सामने आई तो दुनिया भर के नौजवानों के हौसले की मिसाल बन गई। नुसरत सिर्फ गाते नहीं थे, वो संगीत को जीते थे। नुसरत लोगों के जहन से दिल की तरफ बढ़ रहे थे और धड़धड़ाते हुए एक गीत जिसने उनकी मिल्कियत को हिंदुस्तान में भी खड़ा कर दिया, वो था, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। इसके बाद मैं तारा तारा जागूं तेरे नाम, जागूं तेरे नाम, जागूं तेरे नाम, मैं तारा तारा, मैं तारा तारा जागूं तेरे नाम, मैं तारा तारा जागूं तेरे नाम, जागूं तेरे नाम, जागूं। उन तमाम मिस करने वालों की जवान पे चला गया जो सोच को जवान देना चाहते थे। इसके बाद सांसों की माला में सिमरू नुसरत दरअसल इस तरह गाते थे कि वो ईश्वर की इबादत में लिखे गीतों को भी दुधारी तलवार की तरह इस्तेमाल कर दिया करते थे। जिसका जो इश्क उनके लिए गीत का अंजुमन भी वही। ये गीत है, लिखा गया है खुदा की इबादत में। जब आप बारगाह में इस गीत को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि गीत ईश्वर की इबादत में है, और अगर आप इश्कन हैं तो खुदा में भी आपको महबूब नज़र आएगा। ये गीत है, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखा तेरे ते दुरुन पे सलाम सोनिया। अब नुसरत को देश की सरहदों को लांघना था। उनकी आवाज़ तो ये सरहदें पहले ही लांघ चुकी थी। भारत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर का नौता नुसरत साहब को मिला। सूफी संत बुलशाह ने कहा था कि जुनून हो तो नाचना भी इबादत हो जाता है। राज कपूर ने नुसरत साहब के जुनून को बस समझ लिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में नुसरत के साथ कई नामचीन गायक गाने वाले थे, लेकिन जैसे ही नुसरत साहब ने गाना शुरू किया तो उसके बाद पूरी रात उन्हीं के गीत बजे। उन्होंने सूफी संत अमीर खुसरो की गज़ल से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये 1979 का साल था और लोगों को लगा कि नुसरत पहली बार इस साल भारत आए थे,
लेकिन ऐसा नहीं है। मशहूर गीतकार ख्याम ने फिल्म नाखुदा में उनसे एक गीत गवाया था। गीत के बोलते हक अली अली। इस फिल्म को यश चोपड़ा ने बनाया था। ये गीत नुसरत अली और मुजाहिद अली के नाम से फिल्म में बतौर गायक शामिल है। उनका पहला बॉलीवुड गीत था। हालांकि ये गीत वो पहले भी पाकिस्तान में गा चुके थे, ये उसी का एक नया वर्जन था। नुसरत अली और मुजाहिद अली उनकी संगीत पार्टी का ही नाम था, जिसके मुखिया खुद नुसरत अली थे। साल 1990 के आते आते बॉलीवुड में उनके गीतों को नए नए सिंगर्स के साथ हूबहू कॉपी किया जाने लगा। फिल्म मोहरा में तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त भी उन्हीं का गीत है जो कॉपी किया गया था। ये जो हल्का हल्का शुरूर है, ये तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। शेखर कपूर की मशहूर फिल्म बैंडेड क्वीन में भी उनका गाया एक गीत है, छोटी सी उम्र परनाई ओ बाबोसा। राजस्थान का ये लोकगीत है जो उनकी आवाज़ में एक नेहर से ससुराल जाती एक बेटी के दर्द को आवाज़ देता है। इसे बहुत बार अलग अलग सिंगर्स ने गाया है, पर नुसरत की आवाज़ का दर्द और एहसास किसी ने दोबारा नहीं जगाया। अल्लाहू अल्लाहू जैसे नुसरत के कालजयी गीत बारगाहों में गूंजते रहेंगे। नुसरत साहब को एक बार एक सपना आया जिसमें वो तन्हा एक मजार पर गा रहे हैं। उन्होंने इसका जिक्र अपने जानने वालों से किया और उन्हें बताया कि जिस तरह की दरगाह उनके ख्वाब में आई है वो अजमेर राजस्थान की दरगाह है। उसके बाद वो जियारत के लिए बार बार यहाँ आते रहे। पाकिस्तान ने उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड दिया तो यूनेस्को अवार्ड लेकर वो विश्व विख्यात हुए। दो बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नुसरत दर्ज हैं। पाकिस्तान में अपने एल्बम्स की धूम मचाने के बाद भारत में उनके एल्बम्स की चाह बढ़ी, लेकिन नुसरत साहब की दूरदर्शी नज़रों ने जावेद अख्तर को तब तक भांप लिया था और इसलिए शर्त रखी कि जावेद अख्तर गीत लिखे तो गाऊंगा। और यही हुआ। एल्बम आया संगम, नाम के अनुरूप दो महान कलाकारों के मिलन से गीत बना आफरीन आफरीन, और कमाल हो गया। गीत ने नए रिकॉर्ड्स बनाए। हॉलीवुड के मशहूर संगीतकार पीटर गैब्रियल ने 1988 में फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट का संगीत बना रहे थे तो नुसरत साहब को बुलाया गया। फिल्म में एक दृश्य है जहां ईसा मसीह खुद को टांगे जाने वाले सलीब को लेकर आगे बढ़ते हैं। सूली की तरफ बढ़ते ईसा मसीह के बैकग्राउंड में नुसरत का एक आलाप गूंजता है। ऐसे आलाप को नुसरत साहब के अलावा कोई नहीं गा सकता था। खैर, पीटर गैब्रियल ने 15 दिन के लिए एक बेहद पेशेवर और महंगा स्टूडियो बुक किया। नुसरत साहब वहाँ पहुँचे। नुसरत साहब ने पीटर से कहा कि वो रिहर्सल करना चाहते हैं, लेकिन पीटर इतने महान कलाकार को रिहर्सल नहीं करवाना चाहते थे। वो बोले कि आपको रिहर्सल की ज़रूरत नहीं है। नुसरत साहब की सादगी थी। नुसरत साहब ने गाया और ऐसा लगा कि खुद ईश्वर उनके आलाप में उतर आया है। ग्रेबियल को भरोसा नहीं हुआ कि ब्रिटेन में 15 दिन के लिए बुक हुए स्टूडियो में नुसरत साहब ने 15 घंटे में ही वो आलाप पूरा कर दिया। इसके बाद तो कनाडा, यूरोप, अमेरिका, यूके हर बॉलीवुड संगीतकार उनके साथ काम करने का सपना देखने लगे। 1989 में माइकल ब्रूक के एल्बम नाइट सॉन्ग्स में नुसरत साहब की आवाज़ ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। नुसरत साहब काम में इतने मसरूफ हो गए थे कि उनको सोने के लिए भी वक्त नहीं मिल पा रहा था। वो घर पर भी होते थे तब भी रियाज करने में उनके 18-18 घंटे बीतने लगे थे। संगीत से उस कदर उन्हें प्यार था कि वो रात को 2-3 घंटे भी सोते थे तो अपने सिराने बड़े गुलाम अली और अमीर अली और सलामत अली खां के गानों को अपने सिराने लेकर सोते थे। नुसरत साहब की पत्नी नाहिद नुसरत अक्सर उनसे आराम नहीं करने के लिए झगड़ा करती थी और उनको तरह तरह से मनाया करती थी, लेकिन संगीत से वो भी उनको दूर नहीं रख पाती थी। नाहिद को नुसरत साहब की ख़राब होती तबीयत का एहसास पहले से ही होने लगा था। वो उनको मनाने के जितने जतन कर सकती थी वो करती, लेकिन पत्नी के तौर पर वो तमाम वाजिब कोशिशें कर चुकी थी। पर नाहिद ये जानती थी कि नुसरत साहब के लिए संगीत और रियाज के बिना सांस लेना भी मुश्किल है। नुसरत साहब का वज़न लगातार बढ़ रहा था, जो आते आते खतरे तक 130 किलो से भी ज़्यादा हो गया था। वो लीवर की बीमारियों से जूझ रहे थे, लेकिन उन्हें गाना था। इतना बीमार होकर भी वो शांत, सहज और गंभीर रहते थे। नुसरत साहब को अपनी बेटी निदा से बहुत प्यार था। वो अक्सर निदा को अपने साथ वर्ल्ड टूर्स पर ले जाया करते थे।
पत्नी नाहिद की जिद पर वो आखिर में 1997 में अपना इलाज करवाने अमेरिका गए। उन्हें 11 अगस्त 1997 को किडनी और लीवर फेल्योर के चलते लॉस एंजलिस में ले जाया गया। उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना था। क्रॉमवेल हॉस्पिटल में अचानक 16 अगस्त 1997 को हार्ट अटैक हुआ। करोड़ों दिलों की धड़कन पर राज करने वाली आवाज़ नुसरत की धड़कन के साथ ही खामोश हो गई। कहीं दूर नुसरत की आवाज़ में गाना बज रहा था, छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम, जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम, हैरान हूँ दिल में समाए हुए हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम।